जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आज की क्लास में आपका। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति के क्वेश्चंस। इससे पहले की क्लास में हमने आपको सारे टाइप बता दिए थे कि संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे तरीके बता दिए हैं। अगर आप में से जो मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है वो डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो का लिंक पड़ा है, उसमें जाकर देख ले ताकि आपको नंबर सिस्टम से किससे किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टॉपिक हमने वहां पे टाइप दे दिया है, उसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यूपीपी और एसएससी जीडी के सबसे महत्वपूर्ण और कई बार पूछे गए सवाल जो हम आपको देने वाले हैं। और आपको हम बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर में, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे जीके जीएस मैथ करंट अफेयर। इन सारी चीजों को पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, ठीक है। अब मेरी भी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, चाहे वो जीएस की क्लास हम आपको दें, चाहे मैथ की दें, किसी भी तरह की क्लासेस, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री आपका कास्ट है। अब मेरा मकसद तो है यही कि हम आप सबका हेल्प कर सके। बस आप मेरी हेल्प करें कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो आइए भैया देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हमने आपको यह बताया कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। संख्या, यार राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग को लिखना है तो उसको ऐसे लिख लीजिएगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति, इससे पहले वाली क्लास में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, तो सारी चीजें मैंने बता रखी है, अब आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, मैंने आपको बता दिया है। तो आप देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि यदि अगर आपसे पूछा जाए यदि किसी संख्या के 75% में, यदि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाता है, ध्यान दें यहीं से सारा आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 75% में, जैसा कि आपको यह पता है कि हर एक संख्या अपने में 100% होती है, ठीक है, हर एक संख्या अपने में 100% होती है। तो जैसे अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि 75%, तो ये 100% से कितना कम है भाई, तो कितना कम है, तो 25% कम है। 75 कितना कम है, 25% कम है। तो बस यहीं से समझ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये चीज समझ लिया सारी चीज हम आपको क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो फिर वही संख्या प्राप्त होती है। ये एसएससी जीडी आरपीएफ और यूपीपी के पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 75%, ठीक है, संख्या के, ऐसे लिखिए, संख्या के 75% में कितना जोड़ा गया, 75 जोड़ा गया मतलब जोड़ा जाता है, तो वही, तो फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। कितना जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, जोड़ा जाता है तो फिर वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप बेसिक की तरफ बिल्कुल मत जाना भाई, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपका मकसद है नौकरी पाना, तो बस वहीं तक पढ़ना जहां से आपको नौकरी अच्छे से जल्दी से एग्जाम क्रैक करें और नौकरी लीजिए। ट्रिक देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया कि हर संख्या, हर डिजिट अपने में 100% होती है,
तो 75% जो है 100% से कितना कम है, तो वो कितना कम है, 25% कम है। ठीक है, 25% कम है, और कितना जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाता है, अगर 75 हम इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, वो 100 हो जाता है। तो इस हिसाब से 100%, ठीक है, 100% आइए 75/25, अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आता है, 5। अब 5 गुणते 100, जो 100 अपने में 100% मैंने बताया ना, 100%, तो इन जब दोनों को हम गुणा करेंगे, सॉरी 5 25 75, हाँ 3 होना चाहिए, 25 75 जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 300। ये सिंपल सा क्वेश्चंस, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे तो यही सारी चीजें आपको बहुत टफ नजर आएंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू में मैं आपसे कहूं, आप लिख लीजिए और आप भी सॉल्व करिए, अगर आपको आ जाता है जल्दी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर दें। कि क्वेश्चन नंबर टू में मैं बोल रहा हूं कि जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। कितना हो जाता है, 80%। क्या कह रहा हूं मैं, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। आइए क्वेश्चन देखिए, लिखिए आप फटाफट तुरंत जल्दी इसको। जब किसी संख्या का, जब किसी संख्या को क्या हो रहा है, 16 से गुणा किया जाता है, ठीक है, गुणा किया जाता है, तो ये जो तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन, इसको जरूर रखिए, याद रखिएगा, तो गुणनफल, गुणनफल जो दूसरी संख्या है ना, जो दूसरी संख्या का 80% हो जाता है, 80% हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए। तो देखिए आप लोग बेसिक तरीके से जो अपनाते हैं, बेसिक तरीका क्या है इसका, और इसके बाद हम आपको एग्जाम का तरीका बताएंगे कि एग्जाम में किस तरह से आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, यहां कहते हैं कि माना, ये तो आप लोग मानते बहुत हैं, एग्जाम में भी मानते, क्योंकि पेपर आपको मिल जाता है उसमें लिखते हैं माना की पहली संख्या। क्यों, क्योंकि आपको वही तरीके से पढ़ाया गया है, गलती भी आपकी भी नहीं है। ठीक है, और मैं किसी टीचर को भी नहीं कहूंगा कि टीचर भी गलत है। ठीक, जिसको जैसा अच्छा समझ में आता है वो वैसा पढ़ाता है, हर टीचर अपने आप में 100% बेटर है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि माना कि पहली संख्या, एक तो मैथ में एक्स और वाई बहुत है, हम भी मानते हैं एक्स है, एल एम एन कुछ भी मानो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या का 80%, तो दूसरी, अब देखो यहां 16x, अब दूसरी संख्या क्या है भाई आपकी, भाई माना पहली संख्या है ना x, तो ये जो 16 आ गया तो यहां पे 16x आ गया। ठीक है, अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी, गुणते यहां पे कितना परसेंट है, 80% हो जाता है। तो अपने आप में हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो ये बेसिक तरीका हो गया। अब क्या है, अब लिखते हैं आप लोग, अब आप लोग लिखते हैं कि दूसरी, दूसरी संख्या गुणते, ये जो पहली संख्या है 16x गुणते में 100, क्योंकि 100% सब चीजें होती हैं, अब बटे में दूसरी संख्या।
ये 80% हो जाता है, दूसरी संख्या 80% हो जाता है। अब अगर हम इसको काटे तो 16 कन्नम 16 16 पंजे 80, तो अगर 5 से 100 को काटेंगे 20 पंजे 100, तो ये जो आया तो ये क्या आता है कि गुणनफल जो हमारा अनुपात में आएगा, तो ये आता है हमारा कि 1:20। ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर बेसिक तरीके से ये आते हैं, ठीक है, 1:20। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेता कि अनुपात में आंसर बताएं, तो ऐसे ही आंसर आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि जो x बचा है ना वो x अपने आप में एक होता है, अब 1:20, ठीक है। ये हो गए आपका तरीका, ठीक है। अब मेरा तरीका देखें, अब हमें यह पता है कि 16 है ही है, तो भाई 16 लिख लो, ना x की जरूरत है ना y की जरूरत है ना l m f f t s s जितना भी है ना a b c d किसी की जरूरत नहीं, 16 लिख लिया क्योंकि हमें पता है पहली संख्या है, ठीक है 16। अब आपको पता है कि परसेंटेज की बात किया है तो ये 100% तो ऑलरेडी होना ही होना है, 100 तो आना ही आना है। दूसरी संख्या हमको यहां भी दे दिया कि दूसरी संख्या 80% के बराबर है, तो ये भी हो गया, तो काट दो ना, 16 बन जा 16 16 पंजे 80 20 पंजे 100, ये हुआ। अब जब 1 आया तो कटा क्या, 1:20 आ गया आंसर। ये है आपका सबसे अच्छा और आसान तरीका जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा आंसर निकाल के देगा। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और आंसर दो, 16 * 100 / 80, 16 * 5 = 80, 5 * 100 = 100। तो जब कटेगा तो ये अनुपात में जब पूछेगा तो हमेशा जब ये कटता है तो यहाँ पे एक लिखा ही जाता है, 16 * 16 16 * 5 = 80, तो 1:20। उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए फिर, हमने यहां तक आपको बता दिया, ये दो क्वेश्चन हमने आपको लगा दिए, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग जल्दी से नोट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दो संख्याओं का योग 16 है, कितने संख्याओं का योग 60, दो संख्याओं का योग 60 है ना, 60, और अंतर 5 है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं बेहतर और सबसे अच्छा तरीका। तो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 60 है और अंतर 5 है, ठीक है, उनके उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, ये हुआ आपका क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जो बेसिक तरीका होता है, जहां तक आप लोग अभी तक पढ़ते चले आए, तो मेरा मानना यह है कि बेसिक तरीका भी पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर होते होंगे और एग्जाम में टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता होगा। तो आइए हम एक नया तरीका देखते हैं, एक बेहतरीन ट्रिक लगाते हैं, जो क्वेश्चन देखो अब बगैर पेन उठाए आंसर दे दो। जैसे मैं यही पैसे बता दू, 60 * 5 = 300, यही आपका आंसर है, हुआ ना, क्वेश्चन के देखो आंसर दो, 56 * 30 = 300, यही आंसर है,
क्या मतलब इतना वर्गों का करो बेसिक माना समीकरण एक में समीकरण दो में, यह बहुत लंबा हो जाता है। तो आइए आपको बताता हूं आपके एग्जाम के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका जो आपका वक्त बचाएगा। तो बेसिक तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो आइए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक देखिए क्या है कि ऐसे जब आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में कि दो संख्याओं का योग 60 है, 80 है, 90 है, 120 है, 40 है, 20 है, 30 है, 10 है, कुछ भी यार, कुछ भी, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हुआ। तो दो संख्याओं का योग 60 है और अंतर कितना है 5, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, देखो ट्रिक में मैंने क्या बताया, देखो क्या होता है कि योग गुणते अंतर, तो योग कितना है भाई 60, अंतर कितना है 5, तो करो ना 60 गुणते 5 इक्वल टू 300, यही आपका आंसर है। कैसी लगे, बेहतरीन है भाई, योग गुणते अंतर, योग का योग गुणे का अंतर, जो योग दिया हो उसको लिखो और अंतर जो दिया है उसको लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको समझ भी आ गया होगा। बेसिक अगर इसका तरीका देखेंगे तो आप लोग ये करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर में 60 समीकरण एक है, तो एक्स माइनस वाई बराबर में 5 समीकरण दो है। अब समीकरण एक को समीकरण दो को गुणा करने पर ब्रेकेट में x प्लस वाई फिर ब्रेकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 60 गुणते 5 बराबर 300, जब आना है यही 300, तो क्यों हम खिचड़ी बनाएं, हम बिरयानी बना के खा लें, है नहीं तो वही सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इस तरह से क्वेश्चन SSC GD UPP जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जो आपके सामने है, जो आपके लिए बेहतरीन है, उसके लिए ये सफिशियंट है, इसको आप ध्यान से देखें, खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिससे हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको दे ये कहें कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं तीन क्रमागत, अब यहां पर वर्ड देखें सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना है 48, मतलब 48 है, ठीक है। अब यहां पे आपके एग्जामिनर आपसे ये पूछेंगे कि अगर 48 है संख्याओं का योग कितना है 48 है, तो सबसे बड़ी, अब यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं ना, यकीन करो कि बस देखोगे और तुरंत फटाफट आंसर दे दोगे, ठीक है। अब ट्रिक क्या करना है, देखो बेसिक को छोड़ो, अब एग्जाम है, इसमें ट्रिक अपनाओ, कितनी जल्दी और टाइम को बचाओ, जितना टाइम बचाओगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बेहतर तरीके से आप अपने दोबारा क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो। तो देखिए ट्रिक क्या है कि हमने प्रिपेयर दे लीजिए क्वेश्चन की तीन क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं का 48 है, तो यहाँ पे योग क्या है भाई 48 है, तो तीन क्रमागत संख्या मतलब तीन और प्लस में 2। अब ये निशान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। अब जब हम भाग देंगे 16 तिया 48, अब तो 16 प्लस 2 इक्वल टू 18, ये जो योग है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसकी, ये संख्या होगी आपकी 18, यही आपका आंसर होगा। बस समझ आ गई, तो तीन क्रमगत संख्याओं का योग 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 48 बटे 3 प्लस में 2, तो 16 तिया 48 और 16 प्लस 2 बराबर 18, तो आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम पांच आपको बता रहे हैं, जिसमें लिखी हम क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछेंगे कि पहली 20 विषम संख्या, पहली 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। देखिए यहां पे कुछ दिया भी नहीं हो, माय गॉड, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई है, बड़ी दिक्कत की बात हो गई है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कि पहले 20 विषम संख्याओं का योग क्या है ना। अब ये बड़ी दिक्कत, लगाओ बेसिक, पढ़े रहो एग्जाम में है नहीं। अरे भाई देखो क्या होता है कि अगर ट्रिक देखोगे आप, इसमें क्या है कि प्रथम n विषम संख्या का औसत n ही होता है। ये तो सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, क्या मैं बता रहा हूं, प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होता है, वो n ही होता है। तो अगर पहली प्रथम n संख्याओं विषम संख्या का औसत n ही है, तो प्रथम 20 विषम संख्या का योग 20 ही योग करेंगे ना। तो करो ना, तो 20 गुणते 20 इक्वल टू 400, इसका योग होगा 400, आ गया ना आंसर चुटकी में कड़ाक से है नहीं। अरे मेरे भाई पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे जुड़ के रहना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या मैंने आपको पहले बताया, तो समझे कि अगर क्या कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या है, n ही होता है, n ही होता है, ठीक है। तो क्या कर क्या हुआ, तो प्रथम 20 विषम संख्या, तो 20 विषम संख्या का योग, तो जब भाई n का योग n ही हुआ तो 20 का योग भी तो 20 ही होगा ना। तो 20 गुणते 20 इक्वल टू 400, कितना आसान है, बेवजह परेशान रहे तो। बेसिक 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 हो गया, जितना बेसिक आपको सीखना था आपने सीख लिया। मैं हर बार आपसे ये कह रहा हूं, अब आप आइए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब स्मार्ट बने, स्मार्ट बनने का वक्त है, क्योंकि कमीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट बनिए, अब जितना ही स्मार्ट बनेंगे उतनी ही जल्दी आप कम समय में ज्यादा चीजें आप कर सकेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ें। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो उसमें क्या है कि चार अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिए आप लोग पहले, कि चार अभाज्य, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उससे उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। चार अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के आधार पर के आधार पर आरोही क्रम में, याद रखेंगे अवरोही और आरोही में फर्क होता है ना, तो आरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है, आरोही क्रम में लिखा गया है। तो प्रथम 3 का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 का गुणन 3 का
अंतिम तीन का 1001 है। अब यहीं से आपका दिमाग बाउंस करना शुरू हो गया, तो मत परेशान हो, बहुत आसान है भाई, चुटकी बजा के आंसर दूंगा। और वैसे ही एग्जाम में जब बैठोगे ना आप, जब ये क्वेश्चन मिलेंगे ना, तब आपको मेरी याद आएगी, तब आप मुस्कुराएंगे, आपके प्यारे से चेहरे पे छोटी सी स्माइल होगी, आप कहेंगे थैंक यू सो मच कि वक्त रहते ही मैंने आपसे पढ़ लिया। तो अब देखो, तो 1001 है। तो अब आया मेन क्वेश्चन, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताएं, यह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए बेसिक क्या होता है कि बेसिक हम आपको एक देखिए हम आपको बेसिक यहां बता रहा हूं, अलग चीज है, पर मेरा मकसद है कि कम समय में आपको ज्यादा ज्यादा चीजें मिले और कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो बेसिक में क्या करते हैं आप कि ये थ्री जो 385 है, इससे आप 1001 को भाग देते हैं, यही करते हैं, भाग देते हैं, तो यहां पे दो बार जाता है, तो यहां पे उतरेगा आपका 770। फिर आप यहां करेंगे तो क्या करेंगे, ये उतरेगा 331। फिर 331 में आप 385 को भाग देंगे, 385 को 231 को एक बार जब जाएगा तो 331। फिर यहां पे आप डिवाइड करेंगे, यहां पे जो उतरता है आपका इसमें बचेगा 4, 154। 154 को फिर आप 231 को भाग देंगे, ये आपका बेसिक तरीका है बता रहा हूं, ठीक है। फिर ये भी एक बार जाएगा, फिर आप माइनस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 77। 77 में 154 को भाग देंगे, ये दो बार जाएगा और यहाँ पे एक कट के, यहाँ पे कट्टम कुट्टम मतलब खत्म मामला है नहीं। जब ये कट्टम कुट्टम हो गया, कट्टम कुट्टम तो कट्टम कुट्टम जब हो गया तो क्या किया जाता है कि आप लोग से लिखते हैं कि मतलब सभी लोग ये चीज देखें, बेसिक तरीका जो मैं बता रहा हूं, तो दी गई संख्याओं का गुणनफल, ये बेसिक में बता रहा हूं, गुणनफल इक्वल टू 77, क्योंकि ये देखो लास्ट में आया ना 77, तो 77, तो क्या फिर लिखा जाता है, क्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है भाई, तो 1001 में जो भाग दिया जा रहा था उसी को हम क्या करेंगे, अब हम 77 से भाग देंगे। और जब 77 से भाग देंगे तो 77 से भाग देने पर जब इसका आप भाग करते हैं 1001 का 77 का, 77 की टेबल जब आप 13 बार पढ़ेंगे तो 1001 कटेगा, क्या होगा, तो 13। अब आया क्या ही है भाई आंसर, ये तो है बेसिक तरीका, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, ये तो है बेसिक तरीका, कितना ताम झाम करना पड़ गया है नहीं। अब मेरा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं टाइम वेस्ट ना करने का, सबसे बेहतरीन तरीका वो देखें, चलिए इसको हम मिटाते हैं और हम आपको ट्रिक बताते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका और बेहतरीन तरीका क्या है कि देखो 385 लिखा है, 1001 लिखा है, ये भी लिखा है, लिखा तो है भाई, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, लिखा है। अब देखो 385 किससे किससे कटता है, तो 385 एक अभाज्य संख्या है जो 2 से कट नहीं सकता, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, ये कटेगा किससे, 5 से। जब 5 से कटेगा तो मतलब 5 गुणते, फिर अब ये 6 तो भाज्य हो जाती है, लेकिन अब 7 से कटेगा ये, ठीक है, 7 से। फिर देखो 11 3 33, हम ऐसे बताता भी चलूंगा आपको, 5 6 30, ठीक है, बचा 85, ठीक है, 5 6 30, अब 85 बचा, अब कितने में काटोगे आप, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते चलो,
जैसे कि अगर आपको काटना है पांच से, तो पांच छन 30, तो यहां पे क्या हुआ, पांच करना पांच, पांच सते 35, है नहीं, पांच सते 35, तो 17 5 85, ये कट गया। तो ये क्या हुआ कि हमारा पांच से भी डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, ये हमारा सात से भी डिवाइड होगा जब आप ऐसे करोगे, ठीक है, जब आप ऐसे करोगे तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जब डिवाइड होगा, अब देखो 11 3 33, 11 5 55, जैसे देखो हम क्या बता रहे हैं, अब ये है, अब इसको 11 से कर मल्टीप्लाई करो, 11 3 33, भाई कितना बचा 55, 11 5 55 कट गया ना, तो ये 11 से भी कट गया, ठीक है, ये 7 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, और ये 11 से भी कट रहा है, मैं सारी अभाज्य संख्याओं से। अब दूसरा क्या है, ये किससे किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, और ये 11 से भी कटेगा, और ये 13 से भी कटेगा, ठीक है, कटेगा 13 से। तो अगर आप देखा जाए तो इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है, ये फिर मैं बता दूं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है। अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है तो 5 तो हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 11 हो नहीं सकता, और यहीं भी 11 है, यहां भी 7 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 13। तो ये आपका आंसर हो गया, छोटी सी जगह में छोटे से वक्त में आपके इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 13, ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होगी आपको। आइए बगैर देरी किए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो प्लीज वो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो हम उसके लिए भी कोई दूसरा रास्ता निकाल कर हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो हम आपसे जुड़े रहेंगे, अब आपको हम भटकने नहीं देंगे, परेशान नहीं होगी आप। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों संख्या को आपस में अदल बदल देने से क्या हो रहा है, कि दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों संख्या और उन दोनों संख्या को आपस में, याद रखें, आपस में अदल बदल, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं, मैं फिर बता दूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप अगर बोलने से अगर समझ रहे हैं तो उसको आप लिख जरूर लें, कि अदल बदल देने से बनी संख्या में पैतालीस का अंतर आता है, कितने का अंतर आ रहा है, 45 का अंतर आता है, तो उस संख्या के, लिखे भाई, उस संख्या के दोनों अंकों का में कितने का अंतर है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, तो आइए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये भी बहुत अच्छे और ट्रिक के माध्यम से तुरंत फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बता रहा है, कि दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों संख्याओं अंकों को आपस में अदल बदल देने पर बनी संख्या में 45 का अंतर आता है, कितने का अंतर आ रहा है, 45 का अंतर आता है, तो उस संख्या के दोनों अंकों में कितने का अंतर है,
तो मैंने बताया था शुरू में ही, जो आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहली वाली वीडियो को जरूर देख लें, कि ऐसी संख्याओं में हमेशा हम लोग 9 से भाग करते हैं। तो देखो 45 लिखा है, 45 बटे 9 कर दो, 9 पचे 45 कर दो, ये आया 5, यही आपका हुआ आंसर। आप भी सोचते होंगे कि इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ इतने से, लेकिन अब 9 कैसे आया, है नहीं, ये 9 कैसे आया। तो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं से बदल देने पर ये दोनों को अगर जोड़ेंगे भी तो क्या आएगा, 9, चाहे 5 और 9 जोड़ो, चाहे 4 और 5 जोड़ो, 9 आएगा ही ना। लेकिन जब मैंने पहली वीडियो जो आपको दी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पहली वाली क्लास में, पहली क्लास मेरी, उसमें मैंने तरीका बता रखा है कि ये कैसे क्वेश्चन पे 9 का मल्टीप्लाई होगा, अब कब 11 से डिवाइड किया जाएगा, 11 का गुणज होगा। तो ये ट्रिक है आपका कि ऐसी संख्या जब भी आए, जब भी क्वेश्चन आए, तो उस संख्याओं को लो और 9 से भाग दे दो, 9 पचे 45, जो आएगा वही आपका आंसर होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रश्न नंबर 8 है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे, आपकी एग्जाम में जो यूपीपी और एसएससी जीडी जो आपके सामने एक टारगेट की तरह है, बहुत ही अच्छा मौका है, उसे गवाइएगा नहीं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में हम ये दे रहे हैं कि आपको कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है। देखो अब यहां पे चेंज हो गया ना, योगफल 16 है, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, यहां पे योगफल 16 है, और क्या पूछ रहे, और जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, क्या कह रहा है, जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। क्या हो रहा है भाई, संख्या के अंक जो है वो उलट जाते हैं, ठीक है। जब जोड़ दिया जाता है तो क्या किया जाता है, तो संख्या के अंक उलट जाता है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। सिंपल सा है भाई, कुछ मत करो, ट्रिक लगाओ, पहले लिखो ट्रिक, जल्दी लिखे ट्रिक। तो जब देखो मैंने कहा ना कि दो अंकों की संख्या का योगफल के बारे में पूछे, तो हमेशा उसको किसका गुणज होता है, 11 का। तो 11 गुणते 16 माइनस में 18 बटे में 2, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, नहीं देखा है तो फटाक से मेरी पहली वाली वीडियो देखे, वीडियो क्लास देखिए आप लोग फटाक से, और उसको सब आपको समझ में आ जाएगा। जब ऐसी संख्याओं का योगफल जब 16 दो अंकों को दिया जाए तो हमेशा 11 का गुणज होगा, 11 गुणते 16 माइनस में 18 बटे में 2। अब मैंने आपको एक चीज बताया ना कैसे गुणा करोगे, देखो 16 एकन्नम 16 के 6 हासिल, 1 16 एकन्नम 16 और 1 17, मतलब 176, 176 का जब 2 से आप भाग देंगे तो 8 दुनी 16 कितना आया भैया, 88, कितना आया 88, 88 में जब आप माइनस करेंगे कितना, तो बहुत मुश्किल वाला मामला हो गया यहाँ तो। नहीं, दूसरा तरीका आपको बताते हैं, ये देखिए क्या हुआ कि 16 एकन्नम 16, वही तरीका बताता हूँ लेकिन दूसरे तरीके से बताता हूँ, ये आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। 16 एकन्नम 16 हासिल 1, 16 एकन्नम 16, 16 और 1 17, और 17 में जब माइनस आप 18 को करोगे तो क्या आएगा भाई, 8, आइए बचा क्या 16, 16 में से 1 गए, 16 से में 1 गए, बचा क्या 15। अब जब इस 15 को, मतलब कितना आया 158, 158 को जब 2 से आप भाग देंगे तो आएगा 7 दुनी 14, 9 दुनी 18। तो ये है आपकी वो संख्या जिसको
उलट जा दो या पलट दो, जिसको जोड़ने के बाद आपका 16 ही प्राप्त होगा। जैसे देखो 9 + 7 = 16 और 7 + 9 = 16। चाहे उल्टो, चाहे पलटो, चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ो, चाहे पटको, चाहे भूसा मारो, कुछ भी करो आएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में हम लोग देखेंगे, तो इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि मुझे पता है कि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके लिए इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको पूरा देखिएगा आप लोग। देखिए, अगर मेरी वीडियो से अगर आपको फायदा मिल रही है, मेरी क्लास से अगर आपको फायदा मिल रहा है, तो प्लीज इतना कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि जब दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, बहुत ध्यान से समझे, संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त नई संख्या, तो प्राप्त नई संख्या जो वास्तविक, जो वास्तविक संख्या से, जो रियल में आपकी संख्या है उससे वास्तविक संख्या से कितनी ज्यादा है, तो 36 ज्यादा है, 36 ज्यादा है। यदि वास्तविक संख्या, यदि वास्तविक संख्या, ठीक है, संख्या के दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 12 है, क्या है भाई, 12 है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब आपका दिमाग काम करना बंद, लगाओ बेसिक, 5 मिनट तो खा गए बेसिक लगा के। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक ट्रिक के माध्यम से लल्लन टॉप पप्पू इलाहाबादी के जरा टकाटक मुस्कुरा के झमाझम क्वेश्चन करो। तो देखो ट्रिक क्या है कि मैंने बताया, जब दो अंकों की संख्या वाली संख्या को जब बात किया जाए और अदलने बदलने की बात किया जाए, तो मैंने इससे पहली वाली क्लास में मैंने बता दिया है, वो हमेशा 11 का गुणज होगा। तो 11 गुणते कितनी संख्या है, योग कितना है भैया, तो 12 है, और कितना अधिक हो जा रहा है, तो 36 अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, 36, तो माइनस में 36 बटे में 2, तो 12 का 2 हासिल 1, 12 का नम 12 और 1 13, ऐसे करोगे, जब मैं इसका माइनस करोगे 36, तो 12 में 6 गए 6 और ये बचा कितना 12, 12 में से 3 का कितना आएगा, 12 में से 3 गए कितने बचेंगे बताओ भाई, 9 ही तो बचेगा ना, कितने बचेगा 9, कितना बचा 9, तो मतलब 96, तो कितना बचा 96, और 96 का जब 2 से भाग दोगे तो कितना होगा भाई, 48 × 96, यही आपका आंसर है, हुआ ना। इतने बड़े क्वेश्चन को चुटकी भर झम्मा से 2 निकाल के आंसर, तो जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, और आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, और क्वेश्चन को बताने के बाद क्लास के एंड में आप लोग अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी क्लास से फायदा मिल रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की
कोशिश करें ताकि हर एक बच्चा इस क्लास का फायदा उठा सके। तो लास्ट में देखिए क्या है कि आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कितना आ गया। मान लीजिए 10 है, कितना है 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दें, अब बताइए अभी तो जोड़ने की बात हो गई थी, अब घटाने की बात हो रही है। यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अंक क्या कर लिए जाते हैं, अगर घटा देने पर क्या करते हैं, अंक जो है पलट जाते हैं। देखिए कंफ्यूज करने वाली बात है ना, अंक पलट जाते हैं, पर भी कोई दिक्कत नहीं है, फट्टा से आंसर आएगा। देखो तो अगर आपको आंसर पता है तो मेरे मुझसे सॉल्व करने से पहले आप मुझे अपना आंसर जरूर बता दें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान तरीका, फिर से मैं लिखूंगा ट्रिक जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही अपनाइएगा। तो क्या हो रहा है भाई, अंकों का योग, एक ऐसा अंक जिसका योग करने पर क्या आ जाए, 10 है, है ना। क्या हो रहा है, 10, दो अंकों का योग। तो देखो अगर हम लोग देखें, एक ट्रिक क्या है कि ट्रिक देखो कि 6+4 इक्वल टू 10, दो अंकों का योग हो गया 10, है ना। अब क्या कह रहा है कि 18 घटाने पे क्या है ना। अब देखो क्या कि इसका इधर पलट, जब कहता है ना कि अंक पलट जाते हैं, देखो अंक पलट जाते हैं, तो 10 6 60 और 60 और 4 64, तो 64 - 18 बराबर में 46, यही तो आंसर आएगा, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो गया, ये ट्रिक के माध्यम से आपका आंसर हो गया। वरना दूसरे तरीके से आप लोग देखेंगे तो कैसे किया हमने कि 10 * 6+4, ठीक है, बराबर में 10 6 60+4 = 64 - 18 = 46, ये आपका आंसर। इतना आसान है तरीका, ठीक है। तो ये तरीका अपनाइए, अब बहुत ही आसानी से SSC GD में अपना सिलेक्शन लीजिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। ख्याल रखिए अपना और मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक लिए आप ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।